कम मीने हथे बंदे ते हुंदवार करना जिंदगी जी और ताजे आवे जात ना हो सिख लिए मरना। सत श्री अकाल जी। सो इस वेले कड़ियां न्यू मरिंडा रेलवे स्टेशन के उत्ते देख सकते हो कि वड्डा कट पंजाब के मैडिकल प्रैक्टिशनर एसोसीएशन पंजाब के पिंडा विच और डॉक्टर जो कि लोगों को सेहत सहूलत सस्तियां मुहैया करवाते हैं। जे गल करिए करोना के काल में जिते कि वे वे हस्पतालों जंदे लग गए उत्थे इन डॉक्टर के वलों लोगों को सहूलत दी गई, पर बड़े ही दुख की गल है कि बीते 25 सालों तो यह अपनी रजिस्ट्रेशन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सो देख सकते हो साढ़े पिछले एक लंबा कट कि वड्डी तादाद अज्ज पंजाब के समुचे मैडिकल प्रैक्टिशनर एसोसीएशन के मैंबर सूबा प्रधान डॉक्टर रमेश कुमार बाली की अगवाई पहुंचे ने। वड्डी गिनती जिते कट होया है जिले के पंजाब के वड्डी गिनती जिले के कट तुसीं देख सकते हो लाइव तुसीं राखी स्टेज के उत्तों बुलारियां वल्लों जो कि संबोधन किया जा रहा है ते वड्डी गिनती जो मैडिकल प्रैक्टिशनर हाजिर सा। सो मैं कैमरा में बेनती कर लाइव तुसीं ना दिखाई जाण कि जे असीं गल करिए पंजाब के बहुत सारे जिले गल बठिंडा धूरी मुक्तसर मानसा जगराओं लुधियाना रूपनगर जिला चंडीगढ़ जिला होर वख-वख जिलों तो डॉक्टर इत्थे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल आओ जी एक बार तुहानूं स्टेज की कार्रवाई भी दिखाते हैं कि स्टेज के उत्ते किवें किवें दी कार्रवाई चल रही है, किवें अपनियां वक्खां मुक्तियां नूं लैके किवें संघर्ष किया जा रहा। आओ बिल्कुल देख सकते हो स्टेज के उत्ते कार्रवाई मेरा पंजाब न्यूज से तुम देख रहे हो बिल्कुल स्टेज के उत्ते कार्रवाई। रमेश काले जी भी आए हैं बहुत वधी तरह ते वधिया गीत भी गाउंदे हैं, उन्होंने भी बेनती करना कि वो भी स्टेज ते ले रहे हैं। सरपाल जी धूरी तो सो तुसी देख सकते हो स्टेज के उत्ते कार्रवाई चल रही है। स्टेज के उत्ते बिल्कुल बेनती करूंगा पर असीं दिखाउंदे करांगे स्टेज के उत्ते जो कार्रवाई की जा रही है, स्टेज के उत्ते लगातार जो संबोधन किया जा रहा है, 25 सालों तो लगातार संघर्ष किया जा रहा है। सूबा प्रधान कमेटी ते होर वख-वख कैडर बैठे हुए हैं, समुचे पंजाब के सूबा कमेटी के वख-वख अहुदेदार स्टेज पर विराजमान ने, वख-वख जिले के प्रधान स्टेज पर विराजमान है। सो दूजे पासे जे गल करिए मैडिकल प्रैक्टिशनर दे मैंबर सो लगातार लगातार बिल्कुल किया जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल इन्हां वल्लों अपने जिंदाबाद दे नारियां दे नाल अपनी मंग नूं लैके जाइए। आओ हुण असीं गल्लबात करदे हां इन्हां दे वख-वख अहुदेदारां दे नाल ते उन्हां तों जाणदे कि इन्हां दी की मंग किस मंगां संबंधी संघर्ष किया जा रहा है। सो नारियां जा रहे हैं तुहाडे जथेबंदी वल्लों किहड़ियां मंगां नूं लैके पहुंचो ते किहदा रिएक्शन अज लिखिया गया है? ये मंगां साडियां बड़ियां पुराणियां ने कि जिहड़े भी मैडिकल प्रैक्टिसर ने उन्हां दी तजर्बे दे आधार ते रजिस्ट्रेशन कीती जावे। जिहड़े दूसरे ने जिहड़े बाहरले सूबे तो रजिस्टर्ड ने उन्हां नूं पंजाब दे विच मानता दित्ती जावे। जिहड़े नवे नौजवान ने डॉक्टर वीर जिन्हां दा तजर्बा घट है उन्हां लई इक फ्रैशर जिहड़ा कोर्स है वो शुरू करके उन्हां नूं मानता दित्ती जावे तां कि मुढ़ले किस्म दी प्रैक्टिस कर सकन। ते इह रैली जिहड़ी असीं इस करे कीती आ कि कांग्रेस सरकार दे चन्नी साहब नूं भी दो बार मिले हाँ ते 17 तरीक नूं असीं इहनां दी कोठी दा घराओ भी कीता, काफला भी घेरिया, ते 19 तरीक नूं असीं चंडीगढ़ दे विच कोठी दा घराओ कीता ते गिरफ्तारियां भी दित्तियां ने। ते उस तो बाद रोस वजों ये रैली जिहड़ी असीं तेज दी कर रहे हैं ते अगला जिहड़ा स्ट्रगल है वह भी असीं सूबा कमेटी जिहड़ा आ उह मतलब विचार के वह इत्थे ही अनाउंस करांगे तां कि जिहड़ियां साडियां मंगां जिहड़ियां पूरियां हो सकन, असीं उत्थों तक लड़ांगे जिथों तक जिहड़ियां मंगां पूरियां कराइयां जा सकन। सर जिहड़ा 1996 तो लैके सरकारां आईयां गईयां तुहानूं मिठी गोली दिंदियां रहियां उहदे बारे की कहोगे? मिठी गोली चलो ये भी गल थोड़ी ठीक है ते पर असी उन्हूं कौड़ियां ही समझे, असी मिठियां नहीं समझिया क्योंकि जदों किसी ना सिटिंग हुंदी आ उस सिटिंग नूं थोड़ा बहुता मनना भी पैंदा आ कि हाँ इन्होंने इदां कहा तां कि उन्हां नूं याद करा ले साडे कोल भी कुछ होवे। हुण जिथे भी साना बैठणगे असीं उन्हूं याद करावांगे कि तुसीं कांग्रेस सरकार ने सानूं किन्नी वार जिहड़ा साडा वायदा कीता और चोण मैनीफेस्टो च भी 16 नंबर मद विच भी तुसीं कहा कि तुहाडा असीं मसला हल करांगे। 9.5 साल दे करीब मतलब 10 साल दे करीब समां बीत गया कि कोई मसला हल नहीं होया, इस रोज वालों असी जिहड़ा संघर्ष अगे जारी रखांगे। हाँ इस तो पहला सीएम साहब नूं मिल चुके हैं असीं नवां शहर के शहीद भगत सिंह नगर जिले के
तो उस तो बाद असी कोठी का पहला दस चुके हैं, वो घराओ भी कर चुके हैं। तो मैं लगता भी ये जो नवे सीएम कहते बने ने भी ये भी जोड़े कान आ के बहुते साफ सुथरा सुनते नहीं लोगों की गल, तो वो असी सुनाने आए हैं। एक असल गल है कि सरकार आ जो कारपोरेट घराणा की बनती है हमेशा, उन्होंने जो सा मसला जान बुझ के लटका के रखा है, जबकि वह जानते हैं इस गल कि असी पिंड शहर सलाम बस्तियों सेहत सहूलत नहीं दे सके। 80% जो लोग ने वो सातों सेहत सहूलत लेंगे और बकाया तौर पर साढ़े जुड़े हुए हैं। ये मसला जोड़ा है कल मेडिकल प्रैक्टिशनर का नहीं है, आर एम पी डॉक्टर जोड़े अन रेगुलराइज ने उन्हों का नहीं, ये 80% जनता का मसला जिथे सरकार दी सेहत सहूलत ना काफ़ी नहीं है ही नहीं है, और कोई नफरी नहीं हैगी, कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, बस तो चिट्टे हाथी साबित हो रहे हैं। उन्होंने साडा मसला क्यों नहीं कर रही हल सरकार, क्योंकि सरकार को यह लगता कि जे असी इन्हों का मसला हल करते हैं तो फिर जो कारपोरेट घराने ने जो बड़े मगरमच्छ बैठे ने, बड़े हस्पताल हो, बड़े जो है बिजनेसमैन हो, इन्हों कर नहीं देंगे, क्योंकि ये जो जानकारियां सानू लंबा समा 20-25 साल तो वध लड़दे हो गया, तो जो भी असं गल करते हैं साड़ी गल नेड़े जाके टुट जाती है, वो मैं मगरों खिचका लेंगे ना जी और चुप कर देंगे। इस करके असं जी अच्छे तो चैनल के जरिए बहुत बड़ा हरन जी तो पूरी टीम आ जी कम कर रहे हो, और मोगे तो मेरे वीर कुलदीप जी ने इन्होंने नाल साथी आए हैं, जो तुम कम कर रहे हो तो साड़ी सरकार तक आवाज़ पहुँचा रहे हो। आवाज़ जनता की है, साड़ी नहीं जनता की, जनता तरह तरह करती है, लोगों को दवाइया नहीं है, करोना काल कि बुरा हाल है अपन पता ही। इदा धरना जी असी सरकार दियां अखां खोलण वास्ते बहुत जंगी पद्धर ते उलीकिया, जिहदा तुसीं इकट्ठ देख ही रहे हो भी किन्ना उत्साह है साडे पंजाब दे डॉक्टरां च। इस इकट्ठ नूं देख के पंजाब सरकार दियां अखां पहला भी खुलियां सी, हुण ज्यादा खुल जाणगीआं। साडी जिहड़ी अज दी 23 अक्तूबर की रैली है, यह पूरे पंजाब चों वख-वख जिलों चों वख-वख ब्लाकों के विचों जिहड़े साडे डॉक्टर साथी ने हज़ारां की गिणती विच पहुंचे ने, असी कांग्रेस सरकार नूं याद दिवाउणा चाहुंदे हां कि 2017 दे विच जदों होंद दे विच आई सीगे तो साड़ी 16 नंबर मत से साड़ी मंग रखी थी कि मेडिकल प्रैक्टिशन एसोसीएशन जिहड़े साथी ने उन्होंने असी तजर्बे के आधार से उन्होंने कम करने की मानता देवे, पर सरकार ने अज तक 4.5 साल बीत गए ने, कोई भी सुनवाई नहीं करी उन्होंने जगाने की खातर साड़ी जिहड़ा हैगा है रैली धन्यवाद की इन्होंने अहुदेदार इन्होंने वालों जो कि गल की गई उन्होंने मंगा लई लगातार 25 साल तो संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन सरकार उन्होंने मंगा बिल्कुल मान नहीं रही, तो हुण उन्होंने वालों आर पार की लड़ाई का समा तय कर चुका है। सो रैली भी देखी, रैली भी तुम्हें वीडियो दिखाइया है कि रैली भी कड़ी गई है, तो हूँ उन्होंने वालों गल की जेकर अज इन मंगा प्रति सरकार वालों संजीदगी ना ना सोचा गया तो इस तो बाद होर भी तिखा संघर्ष किया जाएगा। कैमरामैन दविंदर नाल मेरा पंजाब न्यूज़ तो दिनेश शैलन चमकौर साहब मरिंडा।